हेलो स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर में हम आपको वो क्वेश्चंस बताएंगे जहां पे तीन सेट इन्वॉल्व होते हैं। प्रीवियस आपने देखा है कि मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं उनमें दो सेट इन्वॉल्व हो रहे थे, और अब वो क्वेश्चन करवाएंगे जहां तीन सेट इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो चलिए इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, क्योंकि यहां आपको फॉर्मूले भी बताने हैं मैंने, और तीन सेट्स अगर इंटरसेट कर रहे हैं तो हर जो भी पोर्शन बन रहे हैं उन पोर्शन के बारे में भी बताना है। तो बेटा ये तीन सेट्स मैंने यहां आपके सामने डिस्प्ले किए हुए हैं, ए बी एंड सी तीन सेट्स हैं, और तीन सेट इंटरसेक्ट करें तो आप देख रहे होंगे यहां पे सेवन पोर्शन बनते हैं। अगर तीन सेट इंटरसेक्ट करें सेवन पोर्शन बन रहे हैं। मैं पोर्शन आपको हाईलाइट कर रहा हूं, एक दो तीन, ये तीन पोर्शन ये हो गए बेटा। तीन के बाद फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ पोर्शन हो गया और ये सेवंथ पोर्शन हो गया। मैंने आपने देखा होगा कि मैंने यहां पे इस पोर्शन इस पोर्शन इस पोर्शन को एक ही कलर में हाईलाइट किया है। ये तीनों पोर्शन एक ही मैसेज देंगे आपको, जब मैं आपको सिखा दूंगा तो ये तीनों पोर्शन आपको एक ही मैसेज देंगे। जो ये पोर्शन मैसेज देगा वही ये पोर्शन मैसेज देगा वही ये पोर्शन मैसेज देगा, ठीक है, फॉर्मूला में। ठीक है, उसके बाद अगले तीन पोर्शन आप देख रहे होंगे जो मैंने ग्रीन कलर में बताए हैं, ये तीन पोर्शन भी एक ही फॉर्मूला से बन जाएंगे, इनसे भी एक ही चीज मीनिंग निकल के आएगा फॉर्मूला में। ठीक है, और एक मैंने बनाया है येलो कलर में। ठीक है, तो सबसे पहले तो बेटे मैं जो स्टेटमेंट में हमें डाटा दिया होता है उस डाटा के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा कि किस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, किस पोर्शन का क्या नाम रखेंगे। तो सबसे पहले डाटा में आपको जब डाटा गिवन होता है, क्वेश्चन जब दिया होता है, स्टेटमेंट में जब सम दिया होता है, तो एक तो दिया होता है आपको ए एंड बी। मैं ए और बी में बता रहा हूं, ए और बी की जगह कुछ भी हो सकता है, ए एंड बी। और आपको पता है ए एंड बी का मतलब ए इंटरसेक्शन बी। अब हम आपसे यहां ये पूछ रहे हैं कि ये जो तीन सेट हमने बनाए हैं इसमें ए एंड बी कौन सा पोर्शन है। तो बेटा ए आप देख रहे हैं ब्लू कलर में बनाया हुआ है, बी आप देख रहे हैं मैंने रेड कलर में बनाया हुआ है, और ए एंड बी मतलब ए ब्लू कलर और रेड कलर का कॉमन। तो बेटा ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को जिसे मैं ब्लैक लाइन से हाईलाइट कर रहा हूं, इस पोर्शन को बेटे हम क्या बोलते हैं, ए एंड बी बोलते हैं। इस पोर्शन की बात हो रही है ए एंड बी। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक। तो यह पोर्शन जो है ये ए एंड बी कहलाता है, ध्यान रखना इस चीज का। यह हो गया ए एंड बी पोर्शन। दूसरी चीज हम आपसे बेटे पूछ लेते हैं, जैसे ए एंड बी हो गया, ऐसे ही हमने दिया होता है आपको ए एंड सी। दूसरी चीज क्या दी होती है हमने, ए एंड सी। तो ए एंड बी आपको नजर आ गया, मुझे से यहां से रब करना पड़ेगा अदरवाइज समझ नहीं आएगा आपको। अब हम बात कर रहे हैं ए एंड सी, देख लीजिए बेटे। ए जो है वो बेटे मैंने किस कलर में लिया हुआ है, ए आप चेक कर सकते हैं ब्लू कलर में लिया हुआ है, और सी जो है मैंने किस कलर में लिया हुआ है, ग्रीन कलर में लिया हुआ है। और ए एंड सी का मतलब ब्लू कलर और ग्रीन कलर का कॉमन। तो ब्लू कलर आप देख रहे हैं, ग्रीन कलर आप देख रहे हैं, तो उनका कॉमन, तो ब्लू और ग्रीन का कॉमन मैं ये बना रहा हूं। ये जो ब्लैक लाइंस मैं यहां खींच रहा हूं, ये जो पोर्शन है इस पोर्शन को बेटे हम क्या बोलेंगे, ए एंड सी। ठीक है, देख सकते हैं ये ब्लू कलर और ग्रीन कलर के बीच में है, तो ये जो है ये कहलाता है ए एंड सी पोर्शन, ए एंड सी। क्लियर है जी, ए एंड सी भी बता दिया। ये वो चीजें मैं आपको बता रहा हूं बेटे जो आपके क्वेश्चन में दी होंगी और आपको पहचान करनी होगी, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको वेन डायग्राम से भी बताने हैं। तो एक बता दिया मैंने ए एंड बी, एक बता दिया मैंने ए एंड सी, और एक पोर्शन होता है बी एंड सी, बी एंड सी, बी इंटरसेक्शन सी, बी एंड सी। हां, बी रिप्रेजेंटेड बाय रेड कलर, सी रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीन कलर। बी एंड सी मतलब ग्रीन कलर और रेड कलर का कॉमन। तो आप देख सकते हैं ग्रीन कलर और रेड कलर का कॉमन पोर्शन ये है, ये है। इसे हम क्या नाम देंगे बेटे, बी एंड सी बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे हम, बी इंटरसेक्शन सी, मतलब बी एंड सी। तो ये मैंने आपको बी एंड सी बताया। ठीक है जी, तो अब तक मैं आपको तीन चीजें यहां तक बता चुका हूं। ठीक है, ए एंड बी बता चुका हूं, ए एंड सी बता चुका हूं, बी एंड सी बता चुका हूं, ध्यान से बिल्कुल। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट हमें दिया होता है, हर क्वेश्चन में लगभग दिया होता है ए एंड बी एंड सी। क्या दिया होगा, ए एंड बी एंड सी, ए एंड बी एंड सी।
अब कौन सा पोर्शन होगा जी, ए एंड बी एंड सी, वो पोर्शन जिस जो तीनों के अंदर होगा, ए बी सी के अंदर। तो जो अभी मैं बता रहा हूं आपको, ये पोर्शन है बेटा ए एंड बी एंड सी। आप देख सकते हैं ये ए ब्लू कलर के भी अंदर है, आप देख सकते हैं ये बी रेड कलर के भी अंदर है, और आप देख सकते हैं ये जो मैंने ब्लैक लाइंस बनाई है ये सी ग्रीन कलर के भी अंदर है। मतलब इस पोर्शन के लिए तीनों की बाउंड्रीज आ रही है, ए बी एंड सी। तो बेटे ये जो पोर्शन है ये पोर्शन क्या कहलाता है, ए बी सी। ठीक है, तो अब तक मैंने आपको चार चीजें बताई हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, और लास्ट में बताया अभी अभी मैंने आपको ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर है यहां तक? सबसे पहले तो आपको ये सारे पोर्शन पता होने चाहिए। ठीक है, कुल मिला के यहां सेवन पोर्शन है, अभी तक सेवन पोर्शन की बात नहीं कर रहा हूं। अभी तक मैंने आपको यह कहा कि अगर मैं आपको बोल दूं ए एंड बी कौन है, तो आपको पता है ए एंड बी कौन है, ग्रीन कलर में बना रहा हूं मैं ए एंड बी, ये जो पोर्शन है ये ए एंड बी है। ठीक है, ए एंड बी। कोई मुझे बोल दे ए एंड सी कौन है, रेड कलर में बना रहा हूं मैं ए एंड सी, ये देखिए रेड कलर में ये ओवरलैप भी कर गया, यहां ए एंड सी पोर्शन है। ठीक है, कोई मुझे कह दे बी एंड सी पोर्शन कौन है, बी एंड सी पोर्शन की बात हो रही है, ब्लू कलर में बनाऊंगा मैं बी एंड सी, बी एंड सी, तो ये बेटा बी एंड सी पोर्शन है। ठीक है, ये जो पोर्शन है बीच वाला इसमें सारे आ रहे हैं। ठीक है, इसमें सारे आ रहे हैं। और मैं आपको कह दूं ए एंड बी एंड सी कौन है, तो ये जो मैं ब्लू कलर में बहुत ज्यादा थिक कर रहा हूं, ये जो पोर्शन है ये कौन है, ए एंड बी एंड सी। सबसे पहले तो आपको ये चार चीजों का बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि जब हमने क्वेश्चन बताने हैं उस वक्त आपको ये चीजें एकदम से पता होनी चाहिए कि क्या क्या पोर्शन बताए हैं। चलिए अब इसके आगे चलता हूं मैं, जितना मैंने बता दिया उसके आगे अब मैं बात करता हूं आपके साथ। तो मैंने आपको ए एंड बी बता दिया, मतलब ए इंटरसेक्शन बी बता दिया, बी इंटरसेक्शन सी बता दिया, ए इंटरसेक्शन सी बता दिया, और तीनों के इंटरसेक्शन भी बता दी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये जो पोर्शन था बेटे आपका, अगर मैं छोटा छोटा लिख दूं यहां पे, तो ये था ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये पोर्शन था आपका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये सेवन पोर्शन है, इन सात के सात पोर्शन के मैं आपको नाम बताऊंगा, अभी तक मैंने एक पोर्शन का नाम बता दिया, सेवन सबके नाम बताऊंगा। चलिए इसके बाद बेटे मैं आपको इस पोर्शन का नाम बताता हूं, ये जो पोर्शन है जहां पे अभी मैंने रेड पिंक कलर में एक डॉट लगाया है, इस पोर्शन की बात करता हूं। ठीक है, समझ गए? तो इस पोर्शन की मैं बात कर रहा हूं कि ये कौन सा पोर्शन होगा। ठीक है, तो आइए जी इस पोर्शन को देखिए, कोई मुश्किल नहीं होता है पोर्शन बनाना, कोई मुश्किल नहीं है अगर आप ध्यान से देखेंगे। इस पोर्शन की मैं बात कर रहा हूं, ये जो पोर्शन है ये रेड कलर के अंदर है कि नहीं, रेड लाइन के अंदर है, मतलब बी के अंदर है। ये जो पोर्शन जिसकी मैं बात कर रहा हूं ये ब्लू लाइन के अंदर है कि नहीं, ए के अंदर है कि नहीं, और ये जो पोर्शन जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये पोर्शन जिसे मैं ग्रीन कर रहा हूं, इस पोर्शन को बता रहा हूं मैं, क्या ये पोर्शन ग्रीन सर्कल के अंदर है? तो बेटा ये पोर्शन ग्रीन सर्कल के अंदर नहीं है, ये ग्रीन सर्कल के तो ऊपर रह जा रहा है, लेकिन ये रेड सर्कल के भी अंदर है और ये ब्लू सर्कल के भी अंदर है। ब्लू सर्कल मतलब ये ए के भी अंदर है, रेड सर्कल मतलब ये बी के भी अंदर है, लेकिन ये सी के अंदर नहीं है। तो इस पोर्शन का जो नाम होता है बेटे, वो नाम होगा ए, ए इसमें है, एंड एंड को लिखते हैं इंटरसेक्शन से, बी भी इसमें है, ए भी इसमें है, बी भी इसमें है, एंड नॉट सी, लेकिन सी इस पोर्शन में नहीं है। समझ लगी जी बात, क्या सिखाया है मैंने आपको? क्लियर? ए भी इसमें है क्योंकि ये ए के अंदर है, आप देख रहे हैं ए मतलब ब्लू कलर के अंदर है, बी मतलब रेड कलर के अंदर है, एंड नॉट सी, सी मतलब सी कौन है यहां, ग्रीन सर्कल, ग्रीन सर्कल के अंदर ये नहीं था। क्लियर? तो यहां से मुझे थोड़ा थोड़ा इन्हें रब भी करना पड़ेगा, लेकिन आपको ये पता चल गया कि ये कौन सा पोर्शन था, तो इतना सा मैंने बना दिया ये पोर्शन था। अभी इस तरह से अगर ये पोर्शन की बात हो गई, अब बेटे मैं आपसे इस पोर्शन की बात करूंगा, ये पोर्शन मैं पूरा बता देता हूं, इस पोर्शन की बात कर रहा हूं सिर्फ इसकी। अगर इस पोर्शन के साथ मैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी लिख दूं, फिर तो आपको पता है ये क्या हो जाएगा, ये तो बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। लेकिन मैं सिर्फ इसकी, जो इस वक्त ग्रीन लाइनें आपको नजर आ रही है, उस पोर्शन की मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, सिर्फ ग्रीन लाइनों वाले पोर्शन की बात कर रहा हूं। ग्रीन लाइन मैंने हटा दिए, तो मैं उस पोर्शन की बात कर रहा हूं जहां पे आपको ग्रीन कलर का डॉट नजर आ रहा है। ओके, तो इस पोर्शन की अगर हम बात करें, तो बताइए जी मुझे आप
ये जो ग्रीन डॉट है, ग्रीन डॉट वाला जो पोर्शन है वो रेड सर्कल के अंदर है। यस, ये रेड सर्कल के अंदर है। ग्रीन डॉट जो है देख रहे हैं रेड सर्कल के अंदर है। रेड सर्कल मतलब बी के अंदर है, बी इसमें है, ठीक है। ये ग्रीन डॉट जो है वो ग्रीन सर्कल के भी अंदर है, ग्रीन मतलब सी भी इसमें है। लेकिन जो ये डॉट है ये ब्लू सर्कल के अंदर है क्या? ब्लू सर्कल के अंदर नहीं है। ब्लू सर्कल से तो ये नीचे रह जा रहा है, नीचे है ना ब्लू सर्कल से, तो ब्लू सर्कल के अंदर नहीं है, मतलब ए के अंदर नहीं है। तो मतलब जिस पोर्शन की इस वक्त मैं आपके साथ बच्चों बात कर रहा हूं, जिसे कि मैंने ग्रीन डॉट से बनाया हुआ है, तो ये ग्रीन डॉट वाला जो पोर्शन है बच्चों, इसमें ए नहीं है लेकिन इसमें बी सी है। तो हम कह सकते हैं इस पोर्शन का नाम होगा बी एंड सी एंड नॉट ए, बी एंड सी एंड नॉट ए, ठीक है जी। मैंने जब आपका ये लेक्चर स्टार्ट किया तब मैंने आपको कहा था कि ये पोर्शन, तब मैंने इनको एक कलर दिया था, ये पोर्शन और ये पोर्शन एक मैसेज देंगे। देखते हैं क्या एक मैसेज देते हैं ये। अब तीसरे पोर्शन की बात करता हूं मैं आपके साथ बेटा, तीसरा पोर्शन, क्योंकि आपको मैंने ये कहा है कि ये भी एक ही मैसेज देगा। ध्यान से समझना है क्योंकि बीच में चीजें मुझे रब करनी पड़ेंगी लैक ऑफ स्पेस की वजह से, जगह कम है और एक साथ सब कुछ बताना पड़ रहा है हमें। चलिए जी, थर्ड पोर्शन की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये जो पोर्शन है इसकी मैं बात कर रहा हूं, ग्रीन डॉट जो मैंने बनाया है भाई, तो ये पोर्शन बताइए, ये समझ गए होंगे, ये डॉट वाला पोर्शन मतलब इस सारे पोर्शन की बात कर रहा हूं मैं, ये जो मैंने ग्रीन लाइन बनाई है, तो इस पोर्शन की बात करो तो क्या ये पोर्शन, मेरा आंसर ये दीजिए, क्या ये पोर्शन रेड सर्कल के अंदर है? नहीं भाई, ये रेड सर्कल से तो नीचे है, मतलब रेड सर्कल के अंदर नहीं गई है ग्रीन लाइन, तो मतलब रेड सर्कल के अंदर नहीं है, रेड सर्कल इसमें नहीं है, रेड सर्कल मतलब बी इसमें नहीं है। क्या ये पोर्शन ब्लू सर्कल के अंदर है? यस, ग्रीन लाइनें जो है वो ब्लू सर्कल के अंदर ही है, देख सकते हैं ब्लू सर्कल के अंदर है ये ग्रीन लाइंस। क्या ये ग्रीन लाइंस ग्रीन सर्कल के अंदर है? यस, ये ग्रीन लाइंस ग्रीन सर्कल के भी अंदर है, ब्लू सर्कल के भी अंदर है, ग्रीन सर्कल के भी अंदर है, ग्रीन के भी अंदर है, ब्लू के भी अंदर है, आप देख रहे हैं, लेकिन रेड के ये बाहर है, रेड के अंदर नहीं है। तो बेटा यहां कौन नहीं है? रेड नहीं है, मतलब बी नहीं है, ए है ब्लू लाइन के अंदर है, सी है ग्रीन लाइन के अंदर है। तो ये जो पोर्शन बना बेटे, ये क्या पोर्शन बना? ए एंड सी एंड नॉट बी, तो ये पोर्शन बना ये, ठीक है। आपको जैसे मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था ये तीनों आपको एक ही मैसेज देंगे। एक मैसेज मतलब वो मैं बताना चाहूंगा आपको कि एक मैसेज क्या दे रहे हैं ये। तो मिट गया गलती से, एक मैसेज तो देंगे लेकिन चलिए एक मिनट मुझे इसे जरा कंप्लीट करने दो, अदरवाइज तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। तो बेटा जी ये आपका एक मैसेज ये बना ही दूंगा मैं। चलिए तो बेटे ये तीन हमें एक मैसेज देंगे, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि ये एक मैसेज क्या दे रहे हैं। इन तीनों फॉर्मूला को देखेंगे बेटा जी, आप तीनों को देखिए, इसमें देखिए, इसमें देखिए, इसमें देखिए, हो क्या रहा है। पहले वाले में देखो ए एंड बी एंड नॉट सी, मतलब दो चीजें हैं, ए है बी है सी नहीं है। दूसरे वाले में देखो जरा बी एंड सी एंड नॉट ए, मतलब दो चीजें हैं बी और सी हैं, ए नहीं है। तीसरे वाले को देखो जरा ए एंड सी एंड नॉट बी, दो चीजें ए सी है बी नहीं है। मतलब ये तीन पोर्शन आपको क्या बता रहे हैं कि हमारे पास दो चीजें हैं तीसरी नहीं है। कल को बेटे क्वेश्चन जब पेपर में आता है और हम वहां कह देते हैं, मान लो एबीसी में ही क्वेश्चन है, फाइंड ए एंड बी एंड नॉट सी, क्या बताया मैंने? फाइंड ए एंड बी एंड नॉट सी। या मैं कह दूं फाइंड बी एंड सी एंड नॉट ए, या मैं कह दूं फाइंड ए एंड सी एंड नॉट बी, ऐसा बोल सकते हैं ना। तो ये तीनों पोर्शन मतलब कौन से पोर्शन है जहां दो चीजें हैं तीसरी चीज नहीं है, ये इसका मतलब है। फॉर्मूला तो सबका अलग अलग होगा, आपके सामने फॉर्मूला भी ड्राइव आउट करेंगे हम, लेकिन पहले अभी मैं सात के सात पोर्शन को पढ़ा रहा हूं आपको, कि सेवन के सेवन पोर्शन मैंने आपको सिखाने हैं, ठीक है जी। तो अभी तक मैंने आपको कितने पोर्शन बता दिए जी? अभी तक मैंने आपको बेटे तीन, और ये जो पोर्शन था ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ये पोर्शन क्या था? ए एंड बी एंड सी। इसे भी ऐसे करता हूं, बाहर ही शो कर देता हूं मैं आपके लिए ए एंड बी एंड सी को, और इसे मैं बना देता हूं येलो कलर में,
और इसे बेटे मैं बाहर लिख देता हूं, और ये आ गया ए एंड बी एंड सी, यहां तीनों हैं। आप देख सकते हैं येलो जो पोर्शन है, येलो पोर्शन मतलब इस पोर्शन की बात हो रही है जिसमें अब मैं ग्रीन लाइन लगा रहा हूं। ये पोर्शन आप देख रहे हैं ये ग्रीन सर्कल के भी अंदर है, ये रेड सर्कल के भी अंदर है, और ये ब्लू सर्कल के भी अंदर है, तीनों के अंदर है। तो ए एंड बी एंड सी हो गया, किसी एक के अंदर नहीं होता तो फिर मैं वो कलर वाला सर्कल छोड़ देता। ठीक है, सेवन पोर्शन बताने हैं, अभी तक मैंने कितने पोर्शन बता दिए हैं आपको, चार। तीन मैंने पिंक कलर में बताए, ये तीन पिंक कलर वाले पोर्शन आपको क्या रिप्रेजेंट करते हैं, दो चीजें हैं एक नहीं है। और जो एक पोर्शन मैंने बताया आपको येलो कलर में, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तीनों चीजें हैं। अब तीन पोर्शन और हैं, ठीक है। अब मुझे सिखाने के लिए स्पेस चाहिए है तो मैं इस पोर्शन को मिटा देता हूं, ठीक है जी, इस पोर्शन को भी मैं मिटा देता हूं, आपको पता है, क्लियर। बस एक पोर्शन रख लिया यहां से सिखाने के लिए आपको, ठीक है। आपको मालूम है बेटे कि जो ये वाला पोर्शन डिस्कस कर रहा है ए एंड सी एंड नॉट बी, और ये पोर्शन और ये पोर्शन, तीनों का मतलब एक ही है, तो मैंने आपको इनमें से दो हटा दिए, एक दिखाने के लिए रखा, ठीक है। अब बेटे इस पोर्शन की बात करते हैं जिस पोर्शन को मैं ग्रीन कलर का डॉट लगा रहा हूं, और कोई पूछे कौन से पोर्शन की बात कर रहा हूं मैं, तो जिसमें वो पोर्शन की बात कर रहा हूं जहां मैंने ब्लैक लाइंस लगाई है, मैं इस पोर्शन की बात कर रहा हूं कि ये पोर्शन क्या है, इस पोर्शन की बात कर रहा हूं मैं अब, ठीक है। तो मैंने आपको इस पोर्शन के बारे में बताना है कि ये कौन सा पोर्शन है, ठीक है। जरा ध्यान से देखिएगा बेटे, इस पोर्शन को देखिए, ये ए के अंदर है, ये जो ब्लैक लाइंस मैंने लगाई हैं ये ए सर्कल के अंदर है, ब्लैक लाइन, यस ए सर्कल के अंदर है, ओके ए सर्कल के अंदर है, तो इसमें ए तो आ गया। एंड क्या ये जो ब्लैक लाइंस हैं ये रेड सर्कल के अंदर हैं, ब्लैक लाइंस, मैं किन ब्लैक लाइंस की बात कर रहा हूं, मैं फिर से आपको बता रहा हूं, मैं ये जो ब्लैक लाइन लगाई है मैं इनकी बात कर रहा हूं, ये जो मैंने ब्लैक लाइन लगाई है ये आप देख रहे थे ब्लू सर्कल के अंदर थी, मतलब ए के अंदर है ये, तो मैंने लिख दिया ए है इसमें, ठीक है। क्या ये ब्लैक लाइंस जो इस वक्त आपको नजर आ रही है, ए ब्लू सर्कल के अंदर जो ब्लैक लाइन नजर आ रही है, क्या ये रेड सर्कल के अंदर है, किसी को रेड सर्कल के अंदर ब्लैक लाइन नजर आ रही है, नहीं रेड सर्कल के अंदर नहीं नजर आ रही है, इसका मतलब यहां रेड नहीं है, रेड मतलब, रेड सर्कल का मतलब बी, बी नहीं है, नॉट, डैश का मतलब नॉट होता है। क्या ये ब्लैक लाइंस आपको ग्रीन सर्कल के नजर आ, ग्रीन सर्कल के अंदर नजर आ रही है, क्या ब्लैक लाइंस आपको ग्रीन सर्कल के अंदर नजर आ रही है, ये वाली ब्लैक लाइन क्या ग्रीन सर्कल में है, ग्रीन सर्कल में भी नहीं है, ग्रीन सर्कल से ऊपर ऊपर है, आप देख रहे हैं ग्रीन सर्कल से ऊपर है, ग्रीन सर्कल में कोई भी ब्लैक लाइन नहीं है, ग्रीन सर्कल मतलब ग्रीन सर्कल का नाम सी, तो सी भी नहीं है एंड नॉट सी। तो इस पोर्शन ने जो अभी मैं आपको सिखा रहा था, इस पोर्शन ने भी आपको एक मैसेज दिया, क्या मैसेज दिया, ए एंड नॉट बी एंड नॉट सी। अच्छा, जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया तो मैंने कहा था ये और ये तीन पोर्शन एक ही मैसेज देते हैं, ये तीन पोर्शन एक ही मैसेज देते हैं। तो पहले वाले पोर्शन ने आपको एक मैसेज दिया है, और उसने आपको क्या मैसेज दिया है बेटे, ए एंड नॉट बी एंड नॉट सी, ठीक है जी। अब बेटे मैं इस पोर्शन की बात करता हूं आपके लिए, ठीक है, एक और पोर्शन डिस्कस करता हूं आपके लिए। अभी मैंने आपको ये वाला पोर्शन बताया, ठीक है ना, ये वाला पोर्शन बता दिया, अब मैं ये वाला पोर्शन बताता हूं आपको, दिस वन, ठीक है, और इसको मैं यहां लिखूंगा, ठीक। जिस पोर्शन को मैं अभी बताने जा रहा हूं उस पोर्शन को मैं हाईलाइट करूंगा, तो हाईलाइट कर रहा हूं मैं इस पोर्शन को, ब्लैक कलर में ही कर देता हूं, ये वाले पोर्शन की जहां इस वक्त ब्लैक लाइन लग रही है, मैं इस पोर्शन की बात कर रहा हूं, ठीक है, इस पोर्शन की मैं बात कर रहा हूं, एक मिनट ये कंफ्यूज कर रहा है, इसे हटा देते हैं, ठीक है। तो जिस इस वक्त जहां ब्लैक लाइन लगी है उस पोर्शन की बात कर रहा हूं, तो बताइए जो ब्लैक लाइन लगी हैं, क्या ये जो पोर्शन है ये बी सर्कल के अंदर है, मतलब रेड सर्कल के अंदर है, हाँ ये ब्लैक लाइंस रेड सर्कल के अंदर हैं, तो रेड सर्कल मतलब बी के अंदर हैं, बी। एंड क्या ये जो ब्लैक लाइंस हैं ये ग्रीन सर्कल के अंदर हैं, ये जो ब्लैक लाइन लगाई है मैंने, ये जो ब्लैक लाइंस लगी हैं बेटे, क्या ये ब्लैक लाइंस ग्रीन सर्कल के अंदर हैं, ग्रीन सर्कल के तो ये बाहर हैं, तो मतलब इसमें ग्रीन सर्कल नहीं है, ग्रीन मतलब सी नहीं है, बी एंड नॉट सी। क्या ये जो ब्लैक लाइंस हैं ये ए सर्कल, मतलब ए ब्लू सर्कल के अंदर हैं, तो ये ब्लू सर्कल के अंदर नहीं है,
तो इसमें ए भी नहीं है, ब्लू सर्कल मतलब ए भी नहीं है, ए भी नहीं है। और ये मैंने कौन से पोर्शन को बताया है, बहुत केयरफुली करना पड़ रहा है मुझे यहां काम ये, ठीक है। तो ये मैंने कौन सा पोर्शन बताया है बच्चों आपको, दिस वन पोर्शन। और मैंने कहा था ये जो ग्रीन कलर में मैंने तीन पोर्शन हाईलाइट किए हुए हैं, ये एक मैसेज देते हैं। पहले मैंने ग्रीन कलर में आपको ये वाला पोर्शन जब बताया बेटा, ये वाला बताया, तो मैसेज क्या निकल के आया, ए एंड बी एंड नॉट सी। फिर जब मैंने ये वाला पोर्शन बताया तो मैसेज क्या निकल के आया, बी एंड नॉट सी एंड नॉट ए। चलो तीसरा भी बता ही देता हूं लगे हाथ, इस पोर्शन की बात करता हूं, ठीक है जी। ये पोर्शन की बात कर रहा हूं मैंने जहां अब ग्रीन लाइनें लगाई हैं। मैंने कहा था ना ये तीन ग्रीन डॉट वाले पोर्शन जो अभी मैं तीन डिस्कस कर रहा हूं एक ही मैसेज देंगे। तो ये जो ग्रीन लाइंस आपको इस वक्त बेटा नजर आ रही हैं, आप मुझे इसका आंसर दीजिए, क्या ये ग्रीन लाइन ग्रीन सर्कल के अंदर है, यस सॉरी ब्लैक लाइन, सॉरी ये जो ब्लैक लाइन्स जो है क्या ये ग्रीन सर्कल के अंदर है, यस ग्रीन सर्कल के अंदर है। ग्रीन सर्कल का नाम सी है, तो यहां सी है। एंड क्या ये ब्लैक लाइंस जो हैं वो ब्लू सर्कल के अंदर हैं? नहीं, ब्लू सर्कल के अंदर नहीं है, ब्लू सर्कल से तो ये नीचे है ब्लैक लाइंस, मैंने ये रेड में बना दी, मतलब मैं जो पहले बनाई है मैं उनकी बात कर रहा हूं, उन ब्लैक लाइंस की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो बताइए ये ब्लैक लाइंस जो है ब्लू सर्कल के अंदर है? नहीं, ब्लू सर्कल से तो ये नीचे है, ब्लू सर्कल तो ऊपर जा रहे हैं, तो मतलब ब्लू सर्कल नहीं है इसमें, ब्लू सर्कल वाले एलिमेंट इसमें नहीं है, ब्लू सर्कल मतलब ए, ए इसमें नहीं है। सी एंड नॉट ए। एंड लास्ट, क्या ये ब्लैक लाइन जो है, ये जो ब्लैक लाइन है क्या रेड सर्कल के अंदर है? रेड सर्कल के अंदर है, आप देखिए क्या ये ब्लैक लाइन रेड सर्कल के अंदर है? नहीं, रेड सर्कल तो ऊपर है, रेड सर्कल के भी अंदर नहीं है। रेड सर्कल का नाम कौन है बेटे, बताइए रेड सर्कल का नाम कौन है? बी। एंड बी भी नहीं है, एंड नॉट बी, एंड नॉट बी, ठीक है जी। तो इन तीनों ने भी आपको देखा जाए तो एक ही मैसेज दिया है, इन तीनों ने भी एक मैसेज दिया है बेटे, और इन तीनों ने आपको एक मैसेज क्या दिया, इसे देखिए, इस वाले पोर्शन को देखिए, इस वाले पोर्शन को देखिए, इस वाले पोर्शन को देखिए। ये उन पोर्शन की बात कर रहा हूं जिन्हें मैं ग्रीन कलर में हाईलाइट कर रहा हूं, ग्रीन कलर में मैं जिन्हें हाईलाइट कर रहा हूं, इन तीन को देखिए, इस वाले को, इस वाले पोर्शन और इस वाले पोर्शन को, बताइए इनमें क्या हो रहा है, इनमें क्या हो रहा है? एक चीज है, ए है, बी एंड सी नहीं है, बी है, सी एंड ए नहीं है, सी है, ए एंड बी नहीं है। मतलब ये जो तीन पोर्शन हैं जो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं, यहां एक चीज है, दो नहीं है। और पहले जो तीन पोर्शन मैंने डिस्कस किए थे, जो मैंने पिंक कलर में बनाए हुए थे, वहां दो चीजें थी, एक नहीं है, ठीक है, वहां दो चीजें थी, एक नहीं है। देख सकते हैं पिंक कलर वाला ये पोर्शन था आपका, पिंक कलर वाला ये था, यहां दो चीजें हैं, एक नहीं है, बाकी तो मैंने रब कर दी हूं इसके बाकी साथ वाले। लेकिन ग्रीन कलर वाले तीनों आपको एक ही मैसेज दे रहे हैं, एक है, दो नहीं है। इस ग्रीन को देख लो, एक सी है, ए बी नहीं है। इस ग्रीन को देख लो, ए है, बी सी नहीं है। इस ग्रीन को देख लो, बी है, ए एंड सी नहीं है। बोलिए जी, पता लगा यहां तक? ठीक, तो इस तरह से मैंने आपको सेवन के सेवन पोर्शन जो है बेटा वो डिस्कस किए हैं अभी तक। अभी इसके आगे भी मैंने चलना है, लेकिन अभी तक मैंने ये सेवन के सेवन पोर्शंस आपको डिस्कस कर दिए हैं कि इन सात पोर्शन के नाम क्या होते हैं। सबसे पहले तो आपको नाम क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो इस सात पोर्शन के नाम हमने आपको बता दिए हैं, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको इनके नाम बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो अब तक मैं आपको बता चुका हूं, ए एंड बी, तो आपको पता है ए एंड बी कौन है। अगर मैं इस वक्त आपको बोलूं ए एंड बी, तो आपका ए एंड बी पता है कौन सा होगा? ये पिंक को भी मैं नाम देता हूं, पिंक वन, पिंक टू, पिंक थ्री, ग्रीन वन, ग्रीन टू, ग्रीन थ्री। अगर मैं आपको बोलूं ए इंटरसेक्शन बी कौन सा पोर्शन है, ए इंटरसेक्शन बी, तो आपको पता है आपका पिंक वन, ठीक है, कौन सा होगा जी? पिंक पोर्शन होगा और येलो पोर्शन होगा, लेकिन पिंक कौन सा होगा? पिंक वन और येलो पोर्शन जो है, पिंक वन और येलो पोर्शन जो है, ये पिंक वन है बेटा, पिंक वन और येलो पोर्शन जो है वो ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है जी, ए इंटरसेक्शन बी को। अगर हम आपको बोल दें ए इंटरसेक्शन सी बताओ, ए इंटरसेक्शन सी, देखिए जरा फिगर को ऊपर ध्यान से, मैंने आपके सामने बनाना है लेकिन आप भी जरा ध्यान से देखिए कि ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी का कॉमन, ए आपको नजर आ रहा है ब्लू कलर में,
सी आपको नजर आ रहा है ब्लू कलर में, सी आपको नजर आ रहा है ग्रीन कलर में, और आपको ए एंड सी, तो ए एंड सी पिंक है और येलो है, समझ गए कौन सा पिंक है बताइए जरा, कौन सा पिंक है? पिंक टू है, क्यों? ए एंड सी यही वाला पोर्शन हुआ आपका, तो जो पिंक टू प्लस आपका जो येलो पोर्शन है ये कौन सा किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई? ए एंड सी को। तीसरा पोर्शन क्या होता है जी आपका? ए एंड सी के बाद ए बी ए सी, और तीसरा पोर्शन आपका होता है बी एंड सी। ये अलग से है, ये सात के अलावा बात हो रही है अभी, सात के नाम फिर से बताऊंगा, बी एंड सी की मैं बात कर रहा हूं बेटा जी। बी एंड सी देखिए, बी कौन सा सर्कल है जी? रेड सर्कल है, और सी कौन सा सर्कल है जी? ग्रीन सर्कल है, रेड और ग्रीन। तो रेड और ग्रीन को देख लीजिए, रेड और ग्रीन का कॉमन, बी एंड सी, रेड और ग्रीन का कॉमन, रेड और ग्रीन का कॉमन बेटे बना दिया है मैंने, ठीक है। तो रेड और ग्रीन में कॉमन क्या नजर आ रहा है आपको? पिंक थ्री प्लस येलो, पिंक थ्री प्लस येलो को हम क्या बोलेंगे? बी एंड सी। क्लियर है यहां तक? तो मैंने आपको ए इंटरसेक्शन बी बता दिया, मैंने आपको ए इंटरसेक्शन सी बता दिया, मैंने आपको बी इंटरसेक्शन सी बता दिया, ठीक है जी, क्लियर यहां तक? आफ्टर दैट एक और पोर्शन होता है, अभी इसी के साथ बता देता हूं मैं आपको, ए एंड बी एंड सी, तीनों ए एंड बी एंड सी, इस फिगर में बताइए ए एंड बी एंड सी कौन सा पोर्शन होता है जी? ए एंड बी एंड सी, ये जो ओनली येलो पोर्शन है इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? ए एंड बी एंड सी बोलते हैं, ठीक है। जब मैं न्यूमेरिकल करूंगा तो मैं ये जो कलर बता रहा हूं उसकी बजाय मैं ए बी सी डी नाम दे दूंगा, वैसे भी मैं बता सकता हूं, ठीक है, क्वेश्चन में मैं उस तरह से बताऊंगा, अभी मैं आपको कलर्स के साथ बता रहा हूं। तो ए इंटरसेक्शन बी बता दिया, ए इंटरसेक्शन सी बता दिया बच्चों, बी इंटरसेक्शन सी बता दिया, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बता दिया। अब मेरी मजबूरी है कि मुझे यहां से इन्हें रब करना पड़ेगा स्पेस की वजह से, तो आपने ध्यान से इसे समझना है, जब ये समझ आ गया आपको तो अब हम आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको सेवन पोर्शंस बताने थे बेटा, ठीक है, तीन तो मैंने बताया आपको, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, वो तो आपको कंबाइन बता दिए मैंने। अब सात पोर्शन जो अलग अलग हैं उनकी बात करूं, तो सबसे पहले अगर मैं आपको पूछूं भाई कि ये जो येलो पोर्शन है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को, ठीक है। उसके बाद बेटे मैं आपको पूछूं ग्रीन पोर्शन, ग्रीन पोर्शन आपको तीन नजर आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे ग्रीन पोर्शन तीन है, चलिए मैंने ग्रीन वन पूछा आपसे, ग्रीन वन पूछा, तो बेटा ग्रीन वन का बताना मुझे, ग्रीन वन ए के अंदर है, ए मतलब सर्कल नजर आ रहा है ब्लू, तो ए के अंदर है ए, एंड क्या ग्रीन पोर्शन, ग्रीन वन क्या ग्रीन सर्कल और रेड सर्कल के अंदर है? नहीं है, मतलब रेड सर्कल मतलब बी के अंदर भी नहीं है, ग्रीन सर्कल मतलब सी के अंदर, तो ए एंड नॉट बी एंड नॉट सी। बेटे अगर मैं आपको बोलूं आप मुझे ग्रीन टू के बारे में बताइए, किसके बारे में बताइए? ग्रीन टू के बारे में बताइए, ग्रीन टू, तो बेटा ग्रीन टू कौन है? ग्रीन टू नजर आ गया आपको, ढूंढ लीजिए ग्रीन टू, ग्रीन टू पोर्शन आपको नजर आ रहा है ये बी सर्कल के अंदर है, मतलब रेड सर्कल के अंदर है, लेकिन ये पोर्शन ग्रीन सर्कल और ब्लू सर्कल के अंदर नहीं है, तो ये किसके अंदर है? सिर्फ बी के अंदर है, तो ये कौन सा पोर्शन हो गया? बी एंड, इसमें क्या ग्रीन है? नहीं है, नॉट सी, क्या इसमें ब्लू है? नहीं है, मतलब नॉट ए। अब मैं ग्रीन थ्री की बात कर लेता हूं आपके साथ, अब मैं बात कर रहा हूं बेटे ग्रीन थ्री की, ग्रीन थ्री नजर आ रहे हैं आपको फिगर में, तो इस ग्रीन थ्री की अगर हम बात करें बेटा जी, तो ग्रीन थ्री किसके अंदर है? अब मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, अब आपको चीज पता लग गई, ग्रीन थ्री जो है, ग्रीन थ्री वाला जो पोर्शन है वो सी सर्कल के अंदर है कि नहीं? सी के अंदर है, एंड ये ब्लू के अंदर भी नहीं है, ये रेड के अंदर भी नहीं है, मतलब ये ए में भी नहीं है और ये बी में भी नहीं है। तो बेटा अगर यहां तक बात करें, ग्रीन वन, ग्रीन टू, ग्रीन थ्री जो मैं आपको सिखा रहा हूं, इन तीनों में आप देख लीजिएगा क्या हो रहा है, इन तीनों में एक सेट है, एक चीज है तथा दो नहीं है। कल को क्वेश्चन आएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड नॉट बी एंड नॉट सी, तो हमारे पास ये भी वे रहता है, ये फॉर्मूला से मैं बता रहा हूं, इसके फॉर्मूले भी मैंने ड्राइव आउट करने, अभी तो मैं पोर्शन सिखा रहा हूं आपको, और जरूरी नहीं है कि आपने फॉर्मूला से करने, मैं आपको डायरेक्ट वे भी बताऊंगा, जो आपको सही लगे वैसे करियो, लेकिन चीजें सारी पता होनी चाहिए। तो ये तीन पोर्शन जो है एक ही रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, एक सेट है, दो नहीं है, जैसे ग्रीन वन बोल रहा है ए है, बी सी नहीं है, ग्रीन टू बोल रहा है बी है, ए सी नहीं है, ग्रीन थ्री बोल रहा है सी है,
ए भी नहीं है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो अब तक मैं आपको चार पोर्शन बता चुका हूं, ठीक है, तीन ग्रीन और एक येलो। अब आगे चलता हूं बेटे, अब मैं पिंक कलर पे आ जाता हूं, पिंक वन की बात करता हूं मैं आपके साथ। पिंक वन, पिंक वन नजर आ गया होगा आपको टॉप पे, ये है पिंक वन, ठीक। अरे भाई यही है पिंक वन, वन थोड़ा ऐसे बनाए। पिंक वन की बात करें, ओनली पिंक वन जहां है, तो आप देख रहे होंगे कि पिंक वन जो है वो रेड कलर के अंदर है, रेड कलर मतलब वो बी के अंदर है। पिंक वन जो है वो ब्लू कलर के अंदर है, ब्लू कलर मतलब वो ए के अंदर है, ठीक है, ए में है, बी में है। लेकिन पिंक वन जो है क्या ग्रीन कलर के अंदर है, ग्रीन कलर मतलब सी के अंदर है, आप देख रहे हैं सी के अंदर नहीं है, सी के अंदर वो नहीं है, नहीं समझे मेरी बात। तो जो पिंक वन हुआ बेटे, पिंक वन जो है वो रेड कलर के अंदर है, वो ब्लू कलर के अंदर है, पर वो ग्रीन कलर के अंदर नहीं है। मतलब पिंक वन जो है वो ए सेट के अंदर है, वो बी सेट के अंदर है, पर वो सी सेट के अंदर नहीं है। तो पिंक वन जो है वो ए के अंदर है एंड बी के भी इनसाइड है एंड सी में नहीं है, ए एंड बी एंड नॉट सी, अगर मैं पिंक वन की बात करता। इसी तरह से बेटा एक और यहीं पर सिखा दू, सिखा देता हूं मैं आपको पिंक टू। अगर मैं पिंक टू की बात करता हूं, देखिए जरा पिंक टू ढूंढिए कहां है पिंक टू, तो पिंक टू आपको नजर आ गया होगा। पिंक टू जो है वो आप देख रहे हैं ग्रीन सर्कल के अंदर है पिंक टू, ब्लू सर्कल के अंदर है पिंक टू, लेकिन रेड सर्कल के अंदर नहीं है, रेड के अंदर नहीं है, रेड मतलब बी में नहीं है। किसमें है ये पिंक टू? ये ए में है, ए मतलब ब्लू में है, ये सी में है लेकिन बी में नहीं है। तो ये ए में है एंड सी में है एंड बी में नहीं है। लास्ट पोर्शन रह गया अब आपका, ऊपर बना रहा हूं मैं पिंक थ्री, ऊपर बना रहा हूं बेटे पिंक थ्री। और पिंक थ्री को अगर आप देखेंगे बेटा, तो बताइए पिंक थ्री किसके अंदर है? रेड सर्कल के अंदर है, रेड मतलब बी, ठीक है, ग्रीन सर्कल के अंदर है, ग्रीन मतलब सी, बी में है, सी में है। लेकिन क्या ये पिंक थ्री पोर्शन जो है क्या ये ब्लू सर्कल के अंदर है? ब्लू सर्कल के अंदर ये नहीं है, ए के अंदर नहीं है। तो इसमें क्या आया, पिंक थ्री कहां है? पिंक थ्री कहां हुआ? बी में है, सी में है, पर ए में नहीं है, बी एंड सी एंड नॉट ए। और ये जो पिंक वन, पिंक टू और पिंक थ्री है, इनको गौर से देखिएगा, मैंने कहा था एक ही मतलब निकाल के लाएंगे ये। एक मतलब ये कि पिंक वन की बात करें तो वहां दो चीजें हैं, एक नहीं है सी। पिंक टू की बात करें तो दो चीजें ए और सी हैं, एक नहीं है बी। पिंक थ्री की बात करें तो दो चीजें बी एंड सी है, एक नहीं है। मतलब ये जो ग्रीन पोर्शन है बेटे, ये जो ग्रीन वन, ग्रीन टू, ग्रीन थ्री है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एक चीज है, एक सेट है, बाकी दो नहीं है। और ये पिंक वन, पिंक टू, पिंक थ्री है, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? दो सेट है और तीसरा नहीं है। और जो येलो डॉट मैंने लगाया हुआ है, येलो जो पोर्शन मैंने बताया हुआ है आपको, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है जी। तो इस तरह से बेटे, सबसे पहले तो मैंने आपको इन सेवन पोर्शन के नाम क्लियर किए, फॉर्मूले भी बताऊंगा मैं इनके, सबके फॉर्मूले भी मैंने बताने हैं, ठीक है। अभी फॉर्मूले नहीं बता रहा हूं, अभी तक तो मैं इनके नाम क्लियर कर रहा हूं लैंग्वेज में। और क्या क्या पूछ सकते हैं कि इनका नाम क्या होगा? देखिए बेटे, ये जो पिंक, जो ग्रीन वन है, मैं किसकी बात कर रहा हूं? ग्रीन वन। इस ग्रीन वन को, ठीक है, एक तो नाम मैंने बता दिया, ग्रीन वन को आप क्या बोलेंगे? ए एंड नॉट बी एंड नॉट सी। ग्रीन वन को यही बोलोगे, ए लेकिन बी और सी नहीं है। अगर मैं बोलूं ग्रीन टू है तो आप क्या बोलेंगे? ग्रीन टू कौन है? बी एंड सी, सॉरी बी एंड नॉट ए एंड नॉट सी। अगर मैं ग्रीन थ्री की बात करूं, ग्रीन थ्री तो आप क्या बोलेंगे? सी एंड नॉट ए एंड नॉट बी। अगर मैं पिंक वन की बात करूं तो आप क्या बोलेंगे? ए एंड बी एंड नॉट सी। अगर मैं पिंक टू की बात करूं तो आप क्या बोलेंगे? ए एंड सी एंड नॉट बी। अगर मैं पिंक थ्री की बात करूं तो आप क्या बोलेंगे? बी एंड सी, बी एंड सी एंड नॉट ए। और अगर मैं येलो की बात करूं तो आप क्या बोलेंगे? ए एंड बी एंड सी। क्या बोलेंगे आप? ए एंड बी एंड सी। क्लियर है यहां तक? अब आगे मैं बात करता हूं लैंग्वेज में। अगर बेटे ये जो ग्रीन वन है, ग्रीन वन जो है, इस ग्रीन वन को बेटे हम क्या बोल सकते हैं? एग्जैक्टली ए भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एग्जैक्टली ए। अगर मैं आपको बोलूं फाइंड एग्जैक्टली ए, सिर्फ ए,
तो ग्रीन वन जो है एग्जैक्टली ए है, ये जो ग्रीन टू है बोलो क्या होगा, ग्रीन टू जो होगा वो एग्जैक्टली बी होगा, और बेटा जो ग्रीन थ्री होगा वो एग्जैक्टली सी होगा। तो बेटा ग्रीन वन को हम एग्जैक्टली ए कह सकते हैं, ग्रीन टू को हम एग्जैक्टली बी कह सकते हैं, और ग्रीन थ्री को हम एग्जैक्टली सी कह सकते हैं, या ओनली ए ओनली बी ओनली सी भी कह सकते हैं। ठीक है जी, एग्जैक्टली ए तो आपको पता है ग्रीन वन पोर्शन जो है उसको एग्जैक्टली ए बोलेंगे, ठीक है, ग्रीन टू पोर्शन को हम एग्जैक्टली बी बोलेंगे, ग्रीन थ्री पोर्शन को हम एग्जैक्टली सी बोलेंगे। क्लियर हो गया यहां तक, कोई डाउट? और मैं आपको बोल दूं, जैसे मैंने अभी ये कहा एग्जैक्टली वन, अगर मैं आपको कहूं एग्जैक्टली टू, किसकी बात करूं मैं, एग्जैक्टली टू कौन से पोर्शन होते हैं, एग्जैक्टली टू बेटे कौन से पोर्शन होंगे, पिंक वन प्लस पिंक टू प्लस पिंक थ्री। मैं बोलूं फाइंड द एलिमेंट इन एग्जैक्टली टू, एग्जैक्टली टू तो एग्जैक्टली टू कौन होगा, पिंक वन प्लस पिंक टू प्लस पिंक थ्री, इसे क्या बोलते हैं, एग्जैक्टली टू। एग्जैक्टली ए है ग्रीन वन, एग्जैक्टली बी है ग्रीन टू, एग्जैक्टली सी है ग्रीन थ्री, लेकिन मैं बोलूं एग्जैक्टली वन, एग्जैक्टली वन तो तीनों का टोटल कर दो, एग्जैक्टली ए पता है, एग्जैक्टली बी पता है, एग्जैक्टली सी पता है, लेकिन हम बोले एग्जैक्टली वन तो एग्जैक्टली वन में कौन आ जाएगा, ग्रीन वन प्लस ग्रीन टू प्लस ग्रीन थ्री। एग्जैक्टली वन में कौन आ जाएगा बेटा, ग्रीन वन प्लस ग्रीन टू प्लस ग्रीन थ्री। एग्जैक्टली टू में कौन आ जाएगा बेटा, पिंक वन प्लस पिंक टू प्लस पिंक थ्री, पिंक वन प्लस पिंक टू प्लस पिंक थ्री जो है एग्जैक्टली टू होगा, ग्रीन वन प्लस ग्रीन टू प्लस ग्रीन थ्री जो एग्जैक्टली वन होगा, पिंक वन प्लस पिंक टू प्लस पिंक थ्री जो है वो एग्जैक्टली टू होगा। और कोई बोले एग्जैक्टली थ्री बताओ, तो एग्जैक्टली थ्री तो एक ही है बेटे, कौन, येलो, येलो इज द एग्जैक्टली थ्री। ग्रीन का सम, तीनों ग्रीन का सम एग्जैक्टली वन, तीनों पिंक का सम एग्जैक्टली टू, और येलो जो है वो एग्जैक्टली थ्री। और कोई आपको बोल दे एट लीस्ट वन, एट लीस्ट वन का मतलब एक या एक से ज्यादा, एट लीस्ट वन मतलब एक या एक से ज्यादा, एक एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा, तीन, तीन ही है यहां पे, तो बेटे सभी का सम जो है एग्जैक्टली वन कहलाता, एट लीस्ट वन कहलाता, सॉरी एट लीस्ट वन, सबका सम, किन सबका सम, ग्रीन वन प्लस ग्रीन टू प्लस ग्रीन थ्री प्लस येलो प्लस पिंक वन प्लस पिंक टू प्लस पिंक थ्री, सेवन के सेवन पोर्शन का जो सम होता है वो कहलाता है एट लीस्ट वन, जिसे कि आप इनका यूनियन भी बोल सकते हो, ए यूनियन बी यूनियन सी, क्योंकि एट लीस्ट वन का मतलब क्या होता है, यूनियन होता है। तो मैं आपको कह दूं ए यूनियन बी यूनियन सी निकालो, तो इन सभी सात पोर्शन का सम कर दो, तीनों ग्रीन का, तीनों पिंक का, और सातवां आपका येलो का, तो उसे बोलेंगे हम एट लीस्ट वन, उसे क्या बोलेंगे हम, एट लीस्ट वन, सबका सम जो एट लीस्ट वन, जिसे कि अदर वर्ड में हम यूनियन भी बोल देते हैं। एग्जैक्टली वन बोलूंगा तो आप तीनों ग्रीन का सम करोगे, एग्जैक्टली टू बोलूंगा तो आप तीनों पिंक का सम करोगे, एग्जैक्टली थ्री बोलूंगा तो आप येलो पोर्शन की बात करेंगे। ठीक है, अगर मैं आपको बोल दूं बेटे एग्जैक्टली टू, किसकी बात कर रहा हूं, एग्जैक्टली टू तो बता दिया, एट लीस्ट टू, एग्जैक्टली टू तो आपको पता है बेटा, एग्जैक्टली टू कौन होगा, तीनों पिंक का सम, पिंक वन प्लस पिंक टू प्लस पिंक थ्री इज द एग्जैक्टली टू। अब मैं बात कर रहा हूं एट लीस्ट टू, एट लीस्ट टू का मतलब क्या होता है, मैंने सिखा रखा है एट लीस्ट का मतलब क्या होता है, एट लीस्ट टू का मतलब होगा दो या दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा, दो कौन है, पिंक वन प्लस पिंक टू प्लस पिंक थ्री, दो, और दो से ज्यादा तीन, तीन कौन है, येलो। तो अगर मैं आपको कह दू एट लीस्ट टू, तो कौन होगा जी एट लीस्ट टू, पिंक वन प्लस पिंक टू प्लस पिंक थ्री प्लस येलो, ये क्या होगा एट लीस्ट टू, क्या होगा ये एट लीस्ट टू। मैं कभी आपको कह दूं यार एट लीस्ट थ्री, एट लीस्ट थ्री का मतलब क्या होगा, तीन या तीन से ज्यादा, तीन या तीन से ज्यादा, तीन या तीन से ज्यादा, तीन से ज्यादा तो यहां है ही नहीं, तीन ही सेट है, तो एट लीस्ट थ्री कौन होगा, येलो पोर्शन होगा। समझ लगी बात? तो मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा बेटा, अगर ये चीज समझ आ गई तो सेट में आपको कभी कभी प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती है, तीन सेट के क्वेश्चन में जैसा मर्जी प्रॉब्लम आ जाए, जितना मर्जी टिपिकल सम आ जाए। सबसे पहले मैंने आपको सात पोर्शन के नाम बताए, ठीक है, उसके अलावा तीन चीजें अलग से बताई, ए इंटरसेक्शन बी बताया, ए इंटरसेक्शन सी बताया, बी इंटरसेक्शन सी बताया,
ठीक है, तो कुल मिला के मैंने 10 पोर्शन आपको यहां दिखाए, 7 तो आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, जिनको मैंने डिफरेंट डिफरेंट डॉट से बनाया हुआ है, और 3 मैंने आपको बताए थे, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, तो 10 चीजें मैं बता चुका हूं अब तक आपको, ठीक है। अब इनको अलग अलग तरीके से कैसे बोल सकते हैं, अगर मैं आपको बोलूंगा नंबर 1 पे एग्जैक्टली 1, मैं क्या बोल रहा हूं अभी, एग्जैक्टली 1, तो आपको पता है एग्जैक्टली 1 क्या होगा, ग्रीन 1 प्लस ग्रीन 2 प्लस ग्रीन 3, ये होता है एग्जैक्टली 1। एग्जैक्टली 1 के बाद मैं अगर कह दूं एग्जैक्टली 2, तो कौन होगा जी एग्जैक्टली 2, पिंक 1 प्लस पिंक 2 प्लस पिंक 3 इज द एग्जैक्टली 2। मैं कह दूं एग्जैक्टली 3, एग्जैक्टली 3 कौन होगा बेटे, येलो पोर्शन एग्जैक्टली 3 होगा, क्लियर हो गया। तो ये मैंने एग्जैक्टली बताए, अब मैं बता रहा हूं आपको फिर से, अब एट लीस्ट मैं बता रहा हूं, मैं आपको बोलूं एट लीस्ट 1, एट लीस्ट 1 मतलब एक या एक से ज्यादा, क्योंकि हमने कहा था एट लीस्ट 1, एट लीस्ट का मैथमेटिक्स होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एट लीस्ट 1 मतलब एट लीस्ट का मैथमेटिक्स होता है ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, आगे मैं 1 बोल रहा हूं तो 1 लगा दिया, और एट लीस्ट 1 मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एक या एक से ज्यादा, एक या दो या तीन, क्योंकि 3 के आगे तो जाना नहीं मैंने, तो अगर मैं कह दूं आपको एट लीस्ट 1, तो बेटे एट लीस्ट 1 कौन होगा यहां पे, एट लीस्ट 1 होगा सारे के सारे डॉट का सम, एक या दो या तीन सब उठा लेने हैं आपने, तो तीनों ग्रीन तीनों पिंक का सम प्लस सातवां पोर्शन जो आपका है येलो पोर्शन का सम, उसे बोलते हैं हम एट लीस्ट 1, जिसे कि हम ए यूनियन बी यूनियन सी भी बोल सकते हैं एट लीस्ट 1। ऐसे में आपको बोल दूं कि भाई आप मुझे बताइए एट लीस्ट 1 के बाद बताइए एट लीस्ट 2, एट लीस्ट ये जो मैंने लिखा ये एट लीस्ट और ये 2 हो गया, इसको पूरे को पढ़ेंगे हम एट लीस्ट 2, ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब होता है एट लीस्ट, तो एट लीस्ट 2 का मतलब दो या दो से ज्यादा, दो से ज्यादा यहां क्या है 3 है, 3 ही सेट दी है ना, दो या दो से ज्यादा, तो बोलो एट लीस्ट 2 कौन होगा जी, पिंक 1 प्लस पिंक 2 प्लस पिंक 3 प्लस येलो, और अगर मैं आपको बोल दूं एट लीस्ट 3, एट लीस्ट 3 मतलब 3 या 3 से ज्यादा, 3 या 3 से ज्यादा, तो वो कौन होगा भाई, येलो पोर्शन होगा। अब बोलेंगे सर येलो पोर्शन को आप एट लीस्ट 3 बोल रहे हैं, यस, येलो पोर्शन को आप ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बोल रहे हैं, यस, ठीक है बिल्कुल, एक चीज के दो दो तरह से लैंग्वेज बन सकती है, इसमें क्या है। तो बेटे मैंने आपको इन पोर्शन के पहले नाम बताए हैं, नाम बताने के बाद मैंने लैंग्वेज में बताया है एट लीस्ट 1, एट लीस्ट 2, एट लीस्ट 3, फिर मैंने बताया है एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 2, एग्जैक्टली 3, ऐसे एटमोस्ट भी होता है, वो बाद में डिस्कस करूंगा, इतना अभी तक मैंने आपको बताया है। अब इन पोर्शन के मैं आपको फॉर्मूले भी साथ साथ में जल्दी से बता देता हूं, ताकि आपको मुश्किल ना आए, ठीक है जी। तो बेटे अगर आपको कोई बोल दे एग्जैक्टली ए निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट बताने हैं बेटे आपको, नंबर ऑफ एलिमेंट बताने हैं एग्जैक्टली ए या ग्रीन 1, ग्रीन 1 का आपको नाम पता है ए एंड नॉट बी एंड नॉट सी, इसका फॉर्मूला बताना है। हालांकि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो जरूरी नहीं कि फॉर्मूला आपको लगाना पड़े, बिना फॉर्मूलों को जैसे ये मैंने बताया है पोर्शन भर के बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाता है आपके सामने होगा, लेकिन फॉर्मूला अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैं बता रहा हूं ए एंड नॉट बी एंड नॉट सी का फॉर्मूला हम कैसे ड्राइव आउट करेंगे, याद करने की बजाय इसको सीखना है हमने, ए एंड नॉट बी एंड नॉट सी, और आपको पता है ए एंड नॉट बी एंड नॉट सी कौन सा पोर्शन है बेटा, ग्रीन 1, ठीक है। तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए ले लो, ए के सारे एलिमेंट ले लिए, ए मतलब पूरा का पूरा ग्रीन सर्कल ले लिया, ठीक है, पूरा का पूरा ग्रीन सर्कल ले, सॉरी पूरा का पूरा ब्लू सर्कल ले लिया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए ले लिए, ए में से अब आपको पता है कि आपको सिर्फ ग्रीन 1 चाहिए था, ठीक है, लेकिन अभी तक आपने नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए ले लिया, पूरा का पूरा ए ले लिया, आपको सिर्फ ग्रीन 1 चाहिए था, ज्यादा एक्स्ट्रा कौन आ गया यहां पे, यहां पे तो आप देख रहे हैं पिंक 1 एक्स्ट्रा है, पिंक 2 एक्स्ट्रा है, येलो भी एक्स्ट्रा है, जिनको घटा देते हैं, अब इनको हम लेस कर रहे हैं, तो पिंक 1 को लेस करना है, लेकिन पिंक 1 का जो नाम मैंने आपको बताया वो नाम नहीं यूज करेंगे आप यहां पे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो अपने आप में एक क्वेश्चन है, तो आपने नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए पूरे के पूरे ए में से 3 लोग घटाने हैं, पिंक 1, पिंक 2 और येलो, पिंक 1, पिंक 2 और येलो घटाना है, लेकिन पिंक 1 और येलो को पहले घटाते हैं कैसे बताइए, पिंक 1 और येलो जो है वो क्या चीज है, उसे हम क्या बोलते हैं, पिंक 1 और येलो को हम ए इंटरसेक्शन बी बोल सकते हैं कि नहीं, ठीक है जी, पूरे के पूरे ए में से पहले हमने पिंक 1 और येलो घटा दिया, लेकिन पिंक 1 और येलो का अलग अलग नाम नहीं दिया, क्योंकि आपको पता है पिंक 1 का एक अपना नाम है, येलो का अपना एक नाम है,
वो नहीं, हमने उन दोनों का कॉमन बोला, पिंक वन और येलो को कॉमन क्या बोल सकते हैं आप, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब किसको घटाना है आपने, पिंक टू को, पिंक टू को घटाना है, लेकिन पिंक टू को अकेला ना घटा के हम पिंक टू और येलो को एक साथ घटा देते हैं। तो पिंक टू और येलो का आप मुझे नाम बताइए, पिंक टू और येलो किसमें है, ए में और सी में, तो ए इंटरसेक्शन सी। जरा देखिए मैंने क्या क्या घटाया, मुझे लिखने थे एलिमेंट ग्रीन वन के, ए एंड नॉट बी एंड नॉट सी को हम किससे बोलेंगे बेटा, ग्रीन वन से। तो ग्रीन वन के एलिमेंट लिखने थे, पहले के पहले मैंने पूरे ए के एलिमेंट लिख दिए, और ए के एलिमेंट लिख दिए, ए मतलब आपके पास क्या क्या आ गया, ग्रीन वन आ गया और पिंक वन, पिंक टू और येलो आ गया। अब आपको सिर्फ ग्रीन वन चाहिए, तो ग्रीन वन में से आपको तीन पोर्शन खत्म करने हैं। कौन से तीन पोर्शन खत्म करने हैं, पिंक वन, पिंक टू और येलो खत्म करने हैं। पहले मैंने पिंक वन और येलो खत्म किए ए इंटरसेक्शन बी से, फिर मैंने पिंक टू और येलो खत्म किए बी ए इंटरसेक्शन सी से। प्रॉब्लम क्या हुई भाई, प्रॉब्लम बेटे ये हुई कि येलो कितनी बार खत्म कर दिया आपने, दो बार। इस पोर्शन में कौन खत्म हुआ बताइए, इस पोर्शन में पिंक वन और येलो खत्म हुआ, ठीक है ठीक है। अब सिर्फ पिंक टू घटाना था, इस पोर्शन में कौन खत्म हो गया, पिंक टू और येलो खत्म हो गया, येलो तो दो बार खत्म हो गया, आपको तो एक बार खत्म करना था, तो एक बार येलो को ऐड कर दो, और येलो का नाम क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये फॉर्मूला निकल के आया बेटे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड नॉट बी एंड नॉट सी, याद करना है फॉर्मूला को आपने समझने के बाद, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस, बड़ा आसान होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, बस ए इंटरसेक्शन बी लिखना है, नॉट नहीं लिखना है, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मैंने आपको सिखाया है, अच्छे से सिखाया है, लेकिन यहां मैंने चीज इस तरह से बताई है आपको, क्लियर है जी। अब कोई और ले लेते हैं, कोई और पोर्शन उठा लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे मैंने ग्रीन वन की बात की थी, अब ग्रीन टू की बात कर लेते हैं। विद टाइम तो बेटे आपको अगर पेपर में क्वेश्चन करना है तो सीधा फॉर्मूला ही याद करना है, इतनी फिगर तो नहीं बनाएंगे अगर आपने फॉर्मूला से करना होगा, लेकिन हम बता रहे हैं आपको, चीज सीखनी है आपको, इसलिए मैं बता रहा हूं। अब ग्रीन टू कौन सा पोर्शन होगा बताइए, बी, बी का पोर्शन है, एंड इसमें ए भी नहीं है एंड इसमें सी भी नहीं है, ठीक है। तो इसे मैं कैसे लिखूंगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, मुझे सिर्फ ग्रीन टू चाहिए, मैंने बी के एलिमेंट लिख लिया, बी के एलिमेंट लिखने का मतलब पता है मैंने क्या कर दिया, मुझे सिर्फ ग्रीन टू चाहिए था, लेकिन बी का मतलब मैंने ग्रीन टू में पिंक वन, पिंक थ्री और येलो भी ऐड कर दिए, तो इन तीनों को बारी बारी घटाना है, लेकिन बारी बारी नहीं घटाते हम, क्योंकि वो डाटा हमें क्वेश्चन में दिया ही नहीं होता, इसलिए हम कैसे घटाते हैं, जो डाटा हमें दिया था उसके अकॉर्डिंग। अब बी में से पूरे के पूरे रेड सर्कल में से पहले तो मुझे बताओ किसे लेस करना है, मैंने पिंक वन को, येलो को और पिंक थ्री को, है ना, तो पहले पिंक वन और येलो को लेस करता हूं, और आप बताइए पिंक वन और येलो कौन है, पिंक वन और येलो किसका कॉमन पोर्शन है, रेड सर्कल का और ब्लू सर्कल का, रेड सर्कल मतलब बी और ब्लू सर्कल मतलब ए, तो ए इंटरसेक्शन बी घटा दिया जी। तो बताइए बी में से मुझे सिर्फ ग्रीन टू चाहिए था, जो मैं पोर्शन आपको बता रहा हूं वो ग्रीन टू है, और जो ग्रीन टू है मैंने पहले का पहले पूरा का पूरा बी लिख दिया, ग्रीन टू प्लस पिंक वन, पिंक थ्री, येलो लिख दिया। अब पिंक वन, पिंक थ्री, येलो को लेस करना है, तो भाई पहले मैंने पिंक वन और येलो लेस कर दिया, जिनका एक नाम दिया हमने ए इंटरसेक्शन बी, माइनस माइनस नीचे लिख देता हूं। अब मैं किसको लेस करूंगा, पिंक थ्री को, लेकिन पिंक थ्री के साथ फिर येलो जोड़ दूंगा मैं, येलो पहले एक बार घटा चुका हूं, एक बार और घटा रहा हूं, घटना एक बार था और दोबारा घटाऊंगा तो दो बार घट जाएगा, एक बार फिर ऐड कर दूंगा। तो पिंक थ्री और येलो का नाम बताइए, पिंक थ्री और येलो किसके अंदर है, ग्रीन सर्कल के अंदर है और रेड सर्कल के अंदर है, ग्रीन सर्कल मतलब सी और रेड सर्कल मतलब बी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी एंड सी, अब तक मुझे बताइए बी के एलिमेंट में से घटाने थे हमें, बी के एलिमेंट मतलब बी में कितने एलिमेंट थे, चार पोर्शन थे, ग्रीन टू, ग्रीन वन, ग्रीन टू, पिंक वन, पिंक थ्री, येलो, लेकिन मुझे चाहिए क्या था, सिर्फ एग्जैक्टली मुझे क्या चाहिए था, ग्रीन टू, तो ग्रीन टू चाहिए था और मैंने चार पोर्शन लिख दिए हैं, तो इन तीन को घटा देते हैं। तो पहले पिंक वन और येलो घटाए, फिर पिंक थ्री और येलो घटाए, येलो मैंने दो बार घटा दिया, घटाना एक बार था दो बार घटा दिया, तो एक बार मैंने ऐड कर दिया। तो फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी एंड, ध्यान से पेपर के लिए, बी एंड नॉट ए एंड नॉट सी, तो कैसे याद रखना है, जो पहले है वही लिख दो, क्या है जी पहले, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी जो है वो लिख दो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन ए, बी को फिक्स रखो, और बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी प्लस प्लस
नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। समझ लगी जी ये भी बात? ये दूसरा पोर्शन मैंने बता दिया ग्रीन वाला। तीसरा पोर्शन बताता हूं मैं ग्रीन वाला। अब मैं फिगर से ना बता के डायरेक्ट फॉर्मूला से ही आपको बताता हूं कि फॉर्मूला आपको याद हो गया है। तो ग्रीन थ्री वाला पोर्शन ये वाला होगा, है ना, ग्रीन थ्री, ठीक है, जिसे हम एग्जैक्टली सी भी बोल सकते हैं। तो ये पोर्शन क्या होगा? हां जी, सी है इसमें एंड नॉट ए एंड नॉट बी, ठीक है जी। तो सीधा फॉर्मूला जो है वो लिख दो, सी है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन ए, इंटरसेक्शन ए नॉट नहीं, माइनस सी फिक्स रखो जो पहले है, सी इंटरसेक्शन बी, सी इंटरसेक्शन बी नॉट ए, कहां लिख दिया, सी इंटरसेक्शन ए माइनस सी इंटरसेक्शन बी और प्लस तीनों की इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बोल दो जिस मर्जी ऑर्डर में। तो ये तीन पोर्शन का फॉर्मूला तो एक ही तरीके से निकल के आ रहा है, हमने सिर्फ आपको बताना था तो ये बताया, ठीक है जी। तो ये तीन पोर्शन के फॉर्मूले मैंने आपको सिखा दिए, किसके, एग्जैक्टली ए के, एग्जैक्टली बी का, एग्जैक्टली सी का, ठीक है। अब आ जाते हैं जी पिंक वन, पिंक वन की बात करते हैं। पिंक वन कौन सा पोर्शन है? पिंक वन है आपका, किसका पोर्शन है जी पिंक वन? ए इसमें है, पिंक वन ए में है, ब्लू सर्कल में है, बी में भी है, ए में है, बी में है, सी में नहीं है। पिछले जो तीन फॉर्मूले कराए वहां एक चीज थी दो नहीं थी, और यहां दो चीजें हैं एक नहीं है, मैंने पहले भी बताई ये बात। आइए जी इसकी बात करते हैं। तो पिंक वन, इसका फॉर्मूला क्या होता है पिंक वन का? पिंक वन में हम क्या कहेंगे कि पिंक वन का फॉर्मूला अगर आपने करना है तो आप लिख दो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। कौन सा जी ए इंटरसेक्शन बी बताइए? ए इंटरसेक्शन बी कौन है बेटा? पिंक वन और येलो, लेकिन आपको सिर्फ पिंक वन चाहिए। और अभी तक आपने जो ए इंटरसेक्शन बी लिखा इसका मतलब कौन है? पिंक वन और येलो, और आपको चाहिए सिर्फ पिंक वन, तो येलो घटा दो। और येलो का नाम क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बहुत आसान है ये, तो बहुत ईजी है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड बी एंड नॉट सी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस तीन ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है जी। तो ये तो ईजिली हो जाता है, इसमें सिखाने वाली ज्यादा बात है ही नहीं। कोई और पिंक का बता दीजिए, मैं उसको बता देता हूं, एक ही बताऊंगा कोई। आपने कहा पिंक थ्री, पहले तो पता होना चाहिए पिंक थ्री किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसके अंदर है जी पिंक थ्री? ग्रीन और रेड के अंदर है, ग्रीन सी रेड बी, तो मतलब बी एंड सी एंड नॉट ए, ओके। ये है जी आपका पिंक थ्री, बी एंड सी एंड नॉट ए। बताइए जी क्या करेंगे पहले, पिंक थ्री निकालना है। अब पिंक थ्री और येलो को पहले एक साथ ले लो, ठीक है। तो पिंक थ्री और येलो किसको रिप्रेजेंट करेगा जल्दी बताइए मुझे आप। पिंक थ्री येलो में से येलो घटा दो तो पिंक थ्री रह जाएगा। पिंक थ्री येलो कौन है जी? पिंक थ्री और येलो किसके अंदर है? रेड और ग्रीन के अंदर है। रेड मतलब बी, ग्रीन मतलब सी, तो बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, यही जो पहला होता है। और माइनस क्या घटा दो? पिंक थ्री चाहिए, और अभी आपने जो ये लिखा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पिंक थ्री प्लस येलो को, येलो घटा दो, येलो मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। समझ लगी बात? तो ये मैं फिगर से भी सिखा रहा हूं आपको, लेकिन विद टाइम अगर आपको पेपर में फिगर बनाने में इतना टाइम नहीं लगाना हो, एक नंबर का सवाल हो, तो फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं। पिंक टू की बात कर लेते हैं, पहले तो पता होना चाहिए पिंक टू कौन सा पोर्शन है। ये जी ग्रीन और ब्लू के अंदर है, ग्रीन मतलब सी, ब्लू मतलब ए, तो इसमें दो ए एंड सी है एंड नॉट बी है। छोड़ो वहां से, क्या फॉर्मूला लगा? जो पहले दो हैं, ए इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। चेक कर लो ए इंटरसेक्शन सी कौन है, चेक करिए। ए इंटरसेक्शन सी है पिंक टू प्लस येलो, और पिंक टू प्लस येलो में से ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब पिंक टू प्लस येलो में से येलो बता दिए तो पिंक टू रह गया, ठीक है जी। तो इस तरह से बेटे मैंने आपको ये फॉर्मूले तैयार करवाए हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये फॉर्मूले यहां पे मैंने लिखे थे, ठीक है जी। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड नॉट बी एंड नॉट सी, एक एक ही फॉर्मूला लिखा था मैंने, यहां तो तीन तीन है। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड बी एंड नॉट सी, मतलब यहां एक है दो नहीं है, और यहां दो है एक नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये फॉर्मूले मैंने आपके सामने डिस्कस किए। और तीसरा फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी, फिगर से तो मैंने कह दिया सबका पोर्शन जो होता है वो ए यूनियन बी यूनियन सी होता है, लेकिन फिगर से ना करना हो आपने, इसे भी मैं बता सकता हूं, ऐसा नहीं है, आगे आके मैं इसे भी बताऊंगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा,
नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसे भी मैं वेन डायग्राम से आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये वेन डायग्राम से मैंने आपको पोर्शंस के बारे में बताया है। ये जो मैंने लैंग्वेज वगैरह आपको आज बताई है बेटे, इसे ध्यान से सुनना है आपने, आपको क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आप थोड़ा सा देखेंगे कि मैं लैंग्वेज में भी बता रहा हूं, मैं पोर्शंस भी बता रहा हूं और मैं फॉर्मूला से भी बता रहा हूं। फॉर्मूले मैंने यहां बता दिए, मैं क्वेश्चन जब आएगा फॉर्मूला से भी करके दिखा दूंगा, डायरेक्ट भी करके दिखा दूंगा, जैसे आपको सही लगे वैसे करिएगा। लेकिन हमने दोनों चीजों से आपको बता दिया कि आपको हर चीज के लिए आप प्रिपेयर रहें।